ये है उत्तराखंड के देहरादून का तपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ आज भी शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल टपकता रहता है। कहा तो यह भी जाता है कि शिवलिंग पर द्वापर युग में दूध टपकता था, जो कलयुग में जाकर पानी में बदल गया। यहाँ पर ध्यान गुफा समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, जिसके दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ जलाभिषेक का विशेष महत्व है। देहरादून गढ़ी कैंट टोंस नदी के किनारे स्थित है और ये मंदिर भगवान शिव का यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग आदि अनादिकालीन है और इसका इतिहास इस प्रकार से है, जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान जब जब देवताओं के संकट या कोई भी विपदा आई तब देवता लोग इस गुफा में आए और भगवान शिव का ध्यान उन्होंने किया। जब जब भगवान शिव देवताओं पर प्रसन्न हुए तब भूमार्ग से प्रकट होकर यानी धरती से प्रकट होकर उन्होंने देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए अनेकों बार और अनेकों बार उनका कल्याण किया। उस दौरान देवता लोग ये सात भैरी नदी धारा इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, उसके बाद गुफा में आके ध्यान लगाया करते थे। तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए, ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि ऋषियों की ये तपोभूमि है उत्तराखंड। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, भूमार्ग से प्रकट हुए और ऋषियों को तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। कहते हैं यहाँ भगवान शिव सबकी मुरादें पूरी करते हैं। मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ शिव की घोर तपस्या की थी और धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा था, जिसके बाद भगवान शिव रोज यहाँ प्रकट होकर उन्हें धनुर्विद्या सिखाते हैं।